जैसा प्यारा, आपके जैसा न्यारा, इस दुनिया में कोई नहीं है, एक आप ही सच्चे और सबसे अच्छे हो बाबा। आप सदा मेरे साथ हो, मैं आत्मा वहां सच्चा बेदा याद करें उस स्वर्णिम घड़ी को जब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आई थी, उस स्वर्गिक दुनिया में मैं आत्मा संपूर्ण पावन थी। मैंने 2500 वर्ष तक पूर्ण रूप से पवित्र रहकर पाठ बजाया। मैं आत्मा वहां सच्चा बेदाग हीरा थी, फ्लॉलेस डायमंड के समान संपूर्ण निर्विकारी। मेरे अंदर वहां विकारों का अंश मात्र भी नहीं था। अभी उस देवताई स्वरूप का, उस पवित्र स्वरूप का अपने मानस पटल पर, मन बुद्धि की स्क्रीन पर चित्र बनाए। देखो कैसा दिव्य आकर्षक रूप था हमारा, कितना तेज था चेहरे पर। अंग अंग से शीतलता और कितनी पवित्रता झलक रही है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में इस पवित्रता के आधार पर ही मेरे यादगार चित्र बने और विधि पूर्वक हमारी पूजा हुई। हम पवित्र आत्माओं के लिए यह कितनी गौरव की बात है, कितनी अहमियत रखती है ये बात कि आज दिन तक भी कोई भक्त हमारे यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच भी नहीं कर सकता। अगर कोई अस्वच्छ या पतित है तो
तो उसके द्वारा चित्रों को छूना पाप समझा जाता है। जरा विचार करो, हमारे जड़ चित्रों के प्रति भी कितना आदर भाव और कितना सम्मान है। क्या यह सुनकर नशा नहीं चढ़ जाता, खुशी में रोमांच नहीं खड़े हो जाते? हे आत्मन, जरा सोचो तो कितना महत्व है इस पवित्रता का। आज कलयुग के अंत समय में भी भक्त लोग जब कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो हमारी आराधना में उस दिन खास पवित्रता के नियम का पालन अवश्य करते हैं। भले ही अल्पकाल के लिए करते, लेकिन यथाशक्ति यथासंभव करते तो है ना। भक्तों के लिए अल्पकाल का और हम संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं के लिए यह सदाकाल का व्रत है। हमारी पवित्रता अखंड है, ये हमारा संकल्प अटूट है। माया का कैसा भी मोहिनी रूप हमारी पवित्रता को कभी खंडित नहीं कर सकता। ये पवित्रता ही मेरी शक्ति है, मेरी संपत्ति है। इसी की वजह से मेरी कीमत है। पूरा कल्प गायन योग्य और पूजन योग्य बनने का एकमात्र आधार यही है। इस पवित्रता के बल पर ही तीनों कालों में मुझ आत्मा की कीर्ति का यशोगान हुआ है। मेरे परम प्रिय परम पवित्र शिव बाबा की पहली श्रीमत यही है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। यह स्लोगन ही महान आत्मा बनने का आधार है। हमें पावन बनना और सबको पावन बनाना है, यही संदेश सबको देना है। ये
इस संगम युग पर परम पवित्र शिव बाबा ने मुझे इस बात से अवगत करा दिया है कि सभी दुखों का मूल कारण अपवित्रता है, जबकि यह पवित्रता सभी सुखों की जननी है। जीवन में सुख शांति स्थापित करने की ये आधारशिला है। यह पवित्रता ही हम आत्माओं के लिए जिया दान है। पवित्र बनना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। यह ईश्वरीय महावाक्य आज आत्मा के अंदर सदा काल के लिए संरक्षित कर दें कि अपवित्रता तो आत्मघात के समान है। बाबा ने कहा है, विकार में गिरना 5 मंजिल से गिरने के बराबर है। यह ऐसी कामाग्नि है जो हमारे द्वारा किए गए सभी श्रेष्ठ कर्मों को, पुण्य कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। सारी की कमाई चट कर देती है। बार बार स्वयं को यह स्वमान देते रहें, मैं आत्मा पवित्र थी, पवित्र हूं और सदा सदा के लिए मुझे पवित्र रहना ही है। ये स्मृति रहे कि ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी इस पवित्रता के आधार पर ही मिलेंगे। और आज हमारा
ओम शांति। टेबल लेते बबीना वो चद्दर इधर बिछा दो। ओम शांति। आज विशेष इंटरनेशनल योगा दिवस पर हम डॉक्टर सुरजीत जी से योगा करने से किस विधि से हम स्वस्थ हो सकते हैं और शरीर स्वस्थ होने से मन भी प्रफुल्लित रहता है, शरीर स्वस्थ होने से मन स्ट्रांग शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होने से ही कोई भी कार्य करने में स्फूर्ति बनी रहती है। नहीं तो रोग का कॉन्शियस रहेंगे तो काम भी सरल नहीं होंगे। वही जब योग युक्त होंगे, योगा युक्त भी होंगे, तो रोग मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे बीच में डॉक्टर सुरजीत जी आए हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगी और कुमारी शिवानी हैं। आज योगा दिवस पर कुमारी शिवानी योगा करा के हम सबको लाभान्वित करेंगे। कुमारी शिवानी सामने आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहन एक लाइनिंग बना लें। बैठ जाएं, एक लाइन में बैठ जाएं। हाँ जी, बैठ सकते हैं सभी। हाँ जी, एक एक। हाँ, बैठ जाएं सभी। सभी बैठ जाएं। हाँ जी, आप थोड़ा एक हाथ की दूरी लो दीदी। हाँ जी, ठीक है। तो पूर्णिमा दीदी, आप इधर आ जाइए, आप भी आ जाओ, आ जाओ। तो फाइव एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मिलता है, तो वो करके दिखाएंगे आपको शिवानी चावला जी। शुरू करो। स्ट्रेचिंग, बहुत ही एक नाइस, वेरी नाइस पोज, जो कि पूरी बॉडी
एक फोल्डिंग हो चुकी है। हस्तपादासन, हस्तपादासन है ये। तो जब हम हाथों से पैरों को छू लेते हैं तो उसको हस्तपादासन बोलते हैं। इसके बहुत से लाभ हैं, लोअर बैक में पेन नहीं रहता। ओम शांति। तो ये थे सुहानी चावला, मेरी बेटी जी। तो अब हम सभी ने बैठना है, और किस विधि में बैठना है, किस पोजीशन पे हमने बैठना है, तो सभी बहन भाइयों ने एक लंबी सांस लेके ओम का उच्चारण करना है। लंबी सांस, सभी ने बटरफ्लाइज पोजीशन में बैठना है। एक साथ सभी ने स्टार्ट करना है, सभी एक पोजीशन में बैठ जाएं। स्टार्ट करें। ये है बटरफ्लाई पोज। इस आसन को करने से हमारी थाइस तो मजबूत होती हैं, लोअर बैक का पेन भी चला जाता है, डिस्क बल्जिंग, साइटिका पेन, उसमें यह आसन बहुत लाभकारी है। करते रहें निरंतर अभ्यास, हम डेली करें। अब पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, दंडासन में बैठ जाएं। हस्तपादासन के लिए आगे झुकते हुए पैरों को
टच करी, सर को सिर्फ कोशिश करें जिनसे हो रहा है टच घुटनों को, सर कर सकते हैं। पांच बार कर लें। कैमरामैन बीच में से होते हुए आ गया है। सभी एनालाइज करें कि इसका प्रभाव किस बैक पे जाता है या थाई के पैरों के पिछले साइड में आता है। बैक और हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। इसको हम निरंतर करेंगे तो हमारी जो स्पाइन में जकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उससे आप लोगों को निजात मिल सकती है। एक बार फिर से राहुल भाई जी ऐसे कैमरे को ले जाओ। एक बार फिर से लोअर बैक पेन बिल्कुल जड़ से जाएगा। डेली हम लोग ये करेंगे तो हमारा जो साइटिका पेन है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसी के साथ साथ करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर सीधा लेट जाना है। शिवानी सुप्त पवन मुक्त आसन सुप्त पवन मुक्त आसन जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसे भी हम निरंतर अभ्यास में लेंगे तो हमें जो हमारे लीवर सिस्टम में जो फैटी लीवर है, लीवर डिजीज है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उससे हम बहुत जल्दी निजात पाएंगे। तो राइट पैर से शुरू करें, राइट पैर अपना उठाएं, हाथों की ग्रिप बनाएं और पेट से टच करते हुए नी तक अपने चेस्ट तक अपने नी को लेके आए। इसी तरीके से पैरों को आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखें और गर्दन को उठाएं। गर्दन इतनी उठे कि हमारे नी से टच हो जाए। 10 सेकंड का हॉल। अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे। सांसों की गति मध्यम, नाक से टच करें। राइट पैर से करना है। अब सुप्त पवन मुक्त आसन का दूसरा प्रारूप है, वो है दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए लाएं और ग्रिप बनाएं। ग्रिप बना के फिर से वही से उसी पोजीशन को लें। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाने दें पैरों को। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है, भुजाओं में एक बल आता है। फिर से एक बार अब हम करेंगे ब्रिज आसन। ब्रिज आसन में दोनों पैरों को हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए
बैक को ऊपर की साइड उठाना है। यहाँ पर 10 सेकंड का होल्ड। इस आसन को करने से हमारे पैरों में मजबूती आती है, पैर स्ट्रॉन्ग और सीधा सा इसका सर्कुलेशन है जो ब्रेन को जाता है। जब हमारी बॉडी से ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल ही काम करेगी। इस आसन को करने से लोअर बैक का पेन, सर्वाइकल पेन और हेड को ब्लड सर्कुलेशन की जो मात्रा है वो पूरी मिलती है। डाउन, एक बार फिर से करें। डाउन, अप, डाउन। इसी के साथ साथ हमने करना है मरकटासन। मरकटासन करते हुए दोनों पैरों को छोड़ ही रखें और गर्दन को हमने अपोजिट घुमाना है। पैरों को हमने राइट साइड में लाना है तो गर्दन को हमने लेफ्ट साइड में ले जाना है। सांस लेते हुए राइट साइड में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। यहाँ भी आप 5-7 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं। पोजीशन बदले, राइट लेफ्ट। एक बार फिर से करते हुए होल्ड। अब हम सभी बैठ पाए उठ के लेट जाए। कंधे से थोड़ा सा दूरी में अपने हाथ रखें। ये भुजंग आसन, ये आसन भी सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन और शोल्डर पेन, इन सभी दर्दों में आपको निजात प्रदान करेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो लोअर बैक पे आ रहा है, लोअर बैक पेन, हिप पेन, थाई पेन, इन सभी में इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप सभी मेरी तरफ घूम जाए। सभी भाई जी वज्रासन की पोजीशन में बैठे। वज्रासन एक यही आसन है जो हम
खाना खाने के तुरंत बात कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 10 मिनट 5 मिनट आप बैठते हो तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। खट्टी डकारों से एक निजात मिलती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से निजात मिलती है और खाना फटाफट डाइजेस्ट होने के चांस बन जाते हैं। तो इसमें हम कोशिश करें कि 20 मिनट बैठें। अब हमें चाय पोज के एक आसन को लेना है। चाय पोज में दोनों हाथ आगे आएंगे, एक बार ये आसन हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अब जिनको हाइपर टाइटिस है उनके लिए एक कैट पोज है। इसका अभ्यास निरंतर करने से डायबिटीज नॉर्मल आने लगता है। तो आइए हम आते हैं कैट पोज की पोज। सर हमारा ऊपर होगा, कमर हमारी अंदर की साइड जाएगी और सर हमारा नीचे जाएगा तो कमर हमारी ऊपर उठेगी। ये स्पाइनल एक्सरसाइज है, सभी पॉइंट्स लेकर काम करती है। यहीं से सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ऑन होती है। लीवर, किडनी, हार्ट और अन्य ऑर्गन्स। वापस हम वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। फिर से हम सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठते हुए हमने सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज कर ली। तो सर्वाइकल में हमने नेक को राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, पीछे ले जाए और जिनको ज्यादा सर्वाइकल है वो नीचे नाक झुकाए गर्दन। राउंड सर्कल में कभी गर्दन को नहीं झुकाना चाहिए। कैसे एक बार पीछे ले जाए। अब हाथों को सीधा करो। सर्वाइकल के लिए रामबाण एक्सरसाइज है, इसको हम निरंतर अभ्यास में लेंगे तो हमारा सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सभी ने पीछे हाथ ले जाना और खिला पीछे से पीछे से। अब हम सभी खड़े हो जाए। हम सभी अपनी अपनी पोजीशन लें और अब सभी को वेट
वेट लॉस तो जरूर करना है क्योंकि वेट से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल, तो वेट लॉस करने के लिए हम करते हैं स्टार्ट बॉडी ठीक करा। ओम शांति। आज सभी संस्थाओं ने मिलकर के बहुत सुंदर तरीके से योगा डे दिवस पे, विश्व योगा डे दिवस पे योग का प्रयोग सब लोगों ने, योगा जो शारीरिक योगा है सब लोगों ने आज के दिन बखूबी निभाया है। और इस उपलक्ष में हमारे डॉक्टर सुरजीत जी भी आए बड़े उमंग उत्साह से। कुमारी शिवानी ने कितने अच्छे से अपने शरीर को अच्छे तरीके से लचीलेपन से घुमाते हुए 5 विशेष एक्सरसाइज भी आपने किया, बहुत अच्छा लगा। और यही शुभ आशीष रखते हैं सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग भी करें और योगा भी करें। रविंद्र भाई जी, आज जो भारतीय योग संस्थान से आपने बहुत अच्छे से लगभग 4 बसेस लेकर के पीतमपुरा भी गए, वहां पर भी आपने योगा किया, तो आइए आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी, आप भी सुनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये योगा डे पर आज जो योग दिवस पर मेरे डॉक्टर साहब ने जो कराया यहाँ पर बहुत अच्छे आसन कराए, डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण बात ये जरूर कही कि वेट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस होने के लिए हमारा खान पान जो है कुछ ठीक होना चाहिए, खाना भी ठीक होना चाहिए और खाने का से ज्यादा नियम बड़े अच्छा होना चाहिए कि हम खाना किस टाइम खा रहे हैं। वैसे मेरे डॉक्टर साहब है, मैं उसमें कोई त्रुटि नहीं निकालना चाह रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मेरे वो थोड़ा सा बात कहनी थी उसमें कि हमारे जो डॉक्टर साहब ने जो बात आसन कराए उससे पहले हमारे डॉक्टर साहब को ये नहीं मालूम कि हमने खाना खा रखा है या नहीं खा रखा, उन्होंने डायरेक्ट आसन करा दिए। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आपकी उसमें त्रुटि नहीं लगा रहा कोई भी, आपने बहुत अच्छा कहा है, भूल हो जाती है, हमसे भूल होती है, सबसे भूल होती है। आसन जब करने चाहिए जब हमने 3 घंटे कुछ नहीं खाया हुआ हो, कम से कम 3 घंटे से 4 घंटा कोई खाना या कोई ठोस पदार्थ के रूप में नहीं खाया हो, लिक्विड ले लिया कोई बात नहीं, तो हमें आसन नहीं करना चाहिए। शाम का टाइम हो रहा है, हो सकता है कोई भाई बहन खाना खाया जाए, अच्छा नहीं खा गया अच्छी बात है, वो नुकसान उसका पहुंच जाता है, हानि हो जाती है।
तो ये हो जाती है अगर साहब कोई भूल होगी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कोई आपको ये अनाउंस करना चाहिए था। हाँ ठीक है ना, ये तो हमसे भी हो जाती है गलती, डॉक्टर साहब की गलती नहीं है कोई, हमसे भी हो जाती है। जब हम भावता में आ जाते हैं तो हम आसन कराने जोश में आ जाते हैं, हम भी कराते चले जाते हैं, ये वैसा हो जाता है। तो आज काफी अच्छा हुआ और इस पर विशेषकर हमारे को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी मानसिकता स्वस्थ रहेगी तो हमारे जो आत्मा का मिलन परमात्मा से बहुत शीघ्र होता है, जल्दी होता है और आसानी से होता है और उसकी याद में हम रह सकते हैं और उसमें मन लगता है, यही इसका मेन उद्देश्य है। बाकी तो ये अष्टांग है, यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, ठीक है, धारणा है, ध्यान है, साधना है, ये आश्रम है, नियम करने होते हैं तभी अपने आप में पूर्ण होता है। पर हम ज्यादा नहीं है तो हम कम से कम यम, नियम और प्रत्याहार और आसन चार तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। तो डॉक्टर साहब चार तो हमें सबको करना चाहिए लगभग जो है, बस मैं इतना ही कहूंगा, बस इतना यही पर अपने पानी का प्रणाम दूंगा। ओम शांति, ओम शांति। आज जैसे योगा का हमने प्रैक्टिस किया, योगा किया हम सब ने, तो ऐसे ही कल सुबह भी 6 बजे से तो पहले हम योग करेंगे, साइलेंस में बैठ करके योग करेंगे 7:45 से 8:00 बजे तक। हम सभी मुरली भी सुनेंगे 7:45 बजे से लेके हम आधा घंटा योगा भी करेंगे और उसको कराने के लिए हमारे डॉक्टर सुजीत जी आएंगे। मैं मानती हूँ आप बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, बी सेक्टर में रहते हैं, फिर भी आपको सुबह जल्दी उठ के बाइक उठा के इधर आना है, हम सबको योगा सिखाना है, क्योंकि ग्रुप के कारण जो है सब लोग योगा कर पाते हैं। जैसे हमारी कई सारी माताएं कहती हैं दीदी हम अकेले अकेले नहीं कर पाती या फिर कई बार मिस्टेक्स करते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा देवेंद्र भाई जी ने भोजन नहीं करना है अगर हमें योगा करना है तो 3 घंटे का गैप होना जरूरी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह तो खाली पेट रहते ही है तो सुबह सुबह हम सब करेंगे और मैं आशा करती हूँ सब के सब जो प्रोग्राम है जो ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं बेगम बिहार से और अलग अलग क्षेत्र से बलजीत बिहार से भी सुन रहे हैं, तो जो जो इधर आ सकते नजदीक वाले तो पूरा पूरा लाभ उठाएं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस बाबा से दृष्टि ली, परमात्मा शक्ति ज्ञान सूर्य परमात्मा की किरणें हम सबके ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा इस योग साधना के माध्यम